राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी में बैठक। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर ये बैठक। पीसीसी चीफ सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद यहां पर रहे। मंत्री, विधायक, सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। अग्रिम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। 28 जनवरी को राहुल गांधी सभा को संबोधित करने वाले हैं और इसी को लेकर पीसीसी में अहम बैठक की गई। इस बैठक में मंत्री, विधायक और सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आपको एक बार फिर से बता दें, 28 जनवरी को राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं और इसी को लेकर एक सभा को यहां पर संबोधित करेंगे और उसी की तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पीसीसी में अहम बैठक आयोजित की गई। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई। विस्तार से मंत्रणा यहां पर तैयारियों को लेकर की गई। पीसीसी चीफ सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद यहां पर रहे और साथ ही मंत्री, विधायक और सभी जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में पीसीसी में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश, बताएं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, 28 जनवरी को राहुल गांधी जयपुर आने वाले हैं। देखिए लवीना, राहुल गांधी 28 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं, उसके उनके दौरे को लेकर आज पीसीसी में बैठक बुलाई गई थी। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों इस बैठक में मौजूद थे, साथ ही कांग्रेस के तमाम मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक समाप्त चुकी है जी। और कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी है, एमएलए, मंत्री और सबको टारगेट दिया गया है कि राहुल गांधी की रैली में अधिक से अधिक भीड़ को लाया जाए, उस रैली को सफल बनाया जाए। आज का तो माहौल देश भर में बना हुआ है, युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जो माहौल है उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस रैली में शामिल किया जाए। देखिए, कल भी सीएम, डिप्टी सीएम ने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की सामूहिक बैठक बुलाई, संयुक्त बैठक बुलाई थी जी। और इस बैठक में दोनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को 25,000 की भीड़ लाने का टारगेट दिया था जी। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी आज इस बैठक में अधिक से अधिक भीड़ लाने की बात कही है जी। दिनेश, पहले भी इसी तरीके की जानकारी मिल चुकी है कि युवाओं और किसानों पर इस रैली के दौरान फोकस किया जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए देश भर में जो माहौल बना हुआ है सीएए को लेकर, लगातार कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर रही है। जेएनयू में मामला हुआ जी, जामिया मिलिया में जो हुआ, उसके बाद कांग्रेस युवाओं को जोड़ने के लिए राहुल गांधी की सीडब्ल्यूसी में तय हुआ है कि राहुल गांधी देश के युवाओं को जाकर संबोधित करें, उसके लिए राजस्थान में सबसे पहली रैली हो रही है। 28 जनवरी को राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे जी। दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें, जयपुर आने वाले हैं 28 जनवरी को राहुल गांधी और इसी को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।